कोविड संक्रमण के कम होते असर के बीच धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या या फेरियां भी बढ़ रही है। इसके साथ ही रेल टिकट दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल RPF भी इस आशंका को देखते हुए सतर्क है। इसका ही परिणाम है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे RPF की टीम ने कार्रवाई कर 29 दुकानों की जाँच की और 11 दुकानों में अवैध रेल टिकट दलाली के मामले पकड़े। इन मामलों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 15 जून को RPF के मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज चूंग के निर्देशन वो ASC ST देशपांडे के मार्गदर्शन में मंडल स्तर पर विशेष अभियान चलाया गया। मंडल RPF ने अपने कार्यक्षेत्र में संदेह पर 29 दुकानों की जांच की। इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल मोतीबाग ने 2, इतवारी ने 1, भंडारा, गोंदिया, राजनांदगांव, छिंदवाड़ा में 1-1 और नागपुर में 3 दुकानों सहित कुल 11 दुकानों में अवैध रेल आरक्षित ई टिकटों का कारोबार करते पाया। आरोपियों से 29 टिकट सहित 1,16,378 रुपए का माल जब्त किया गया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।